ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। जय महेश माते। माहिष्मति क्षमा धर्म का पालन करता है। माहिष्मति ब्रिग्मिन, ब्रिंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं। रणभूमि छोड़कर भाग जाओ, तुम लोगों को प्राणदान दे दिया जाएगा। कोरटा जा रहे फुफू, निम बीट रूल सुलंग दे। निम्टा डोजरस टेल मी हर तबुश क्राक ओइक निम बोमला मोहिनो जुकू लोहाक्वे। तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगी, क्या ये सच है? उनकास्ता मिनो पीजरा शुकुए। और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए तो? मिन बहत्ते सरत्रामा माश्वरति मृम्सा इंकनिम मिन महत्ते चुहर फ्रोत में मटा स्वीक दे ता क्राक चुहर हार। तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। उसे जीवित रहना होगा। उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए तो भी जीवित रहना होगा। ताबी क्रूल डंकरा रेखा अक्ट्रा रड़ा उपी लुपी फिक्सेटी ताबी क्रूल डंकरा। के तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। कटप्पा राजमाता, समर शंख फूंक दो।
पे वापा उमला जुकू तबू शारा महासेना घात व्यूहम आरंभम Thank you.
असला शुरुआत। हमारा रक्षा कवच टूट चुका है। माहिष्मति की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु, मृत्यु। हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, यह सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया, वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहिष्मते!
इन महत्ति चोहोर तो उसकी आंखें नोच खाएं और पेट से आते बाहर आ जाएं, उसके हाथ पांव कटकर शरीर का सारा रक्त बह जाना चाहिए। मेरा वीर पुत्र जिसने कालकेय को मार गिराया, युद्ध में विजयी हुआ। हमारा होने वाला महाराजा बल्लाल देव है। जय बल्लाल देव, जय बल्लाल देव। बल्लाल की वीरता ने हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। राज्य के कोने कोने में उसकी विजय गाथा फैलाई जाए।
उसकी प्रतिमाएं बनवाई जाएं। महावीर भल्लाल देव को आज मैं माहिष्मति की सर्वसेना का अधिपति घोषित करती हूँ। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। शिवगामी, ये कैसा निर्णय है? कालकीय का अंत मेरे पुत्र ने किया। हमारे पुत्र ने किया? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? वो है ना राजा, वही है ना। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। तो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहां का शासन? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मति का राज मुकुट पहनाया जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। बाहुबली, 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 अमर है।